और इसी बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक में एक्शन में सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। नीट मामले में अब तक 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो चार्जशीट में 13 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है। नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जावेद हुसैन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी है, चार्जशीट में क्या कुछ अहम बातें लिखी गई हैं और साथ ही 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है? देखिए, 13 लोगों को के खिलाफ सीबीआई ने नीट यूजी स्कैम पेपर लीक मामले में अपनी जो है चार्जशीट आज सबमिट किया उन्होंने कोर्ट में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 23 जून को इन्होंने केस को हैंडओवर लिया है और पहले लोकल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने इस पूरे मामले में FIR दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई को इस केस की पूरी जो डिटेल के साथ ये केस ट्रांसफर किया गया। इसमें आशुतोष, दो आशुतोष हैं, इसमें यतवेंद्र हैं, अवधेश हैं और कई आशुतोष, उसके अलावा मुकेश, कुल मिलाकर 13 एक्यूज्ड हैं जो इनिशियल पहले गिरफ्तार किए गए थे। इन लोगों के खिलाफ जो टेक्निकल एविडेंस, इसके अलावा टावर टेक्निकल सर्विलांस और इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो सीबीआई ने अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस के जरिए और सर्विलांस के जरिए जो पूरा इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में लगातार जुटी हुई है, तो उसको लेकर सीबीआई ने जिक्र किया। और सीबीआई ने यह भी बताया कि अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका और 15 वैसे लोग हैं जिनको लोकल पुलिस यानी कि बिहार पुलिस जो स्टेट पुलिस है EOU ने उन्होंने गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में। और ये भी सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ये बताया है कि कई ऐसे सस्पेक्ट हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं और कुछ लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में और कुछ लोग सीबीआई की कस्टडी में हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद सीबीआई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट करेगी और उस इन्वेस्टिगेशन में जिसमें जो लोग सस्पेक्ट हैं, जो लोग रडार पे हैं। सीबीआई ने बताया कि किस तरीके से 13 लोगों का जो रोल है पूरे लीक मामले, पेपर लीक मामले में, उसको डिस्क्राइब किया गया है। और सीबीआई का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक अभी जारी है और इसमें अभी कई अहम इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो सामने आना है। कुछ और बड़े लोग हैं और जैसा कि संजीव मुखिया अभी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी सबसे अहम मानी जा रही है। लेकिन जो इस पेपर लीक पूरे मामले में जो लोग जुड़े हुए थे, जिनका कनेक्शन पटना से लेके हजारीबाग ओसिस स्कूल और जो इसके अलावा तमाम अलग अलग सेंटर्स थे जहाँ पर जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई, किस तरीके से प्रॉक्सी कैंडिडेट को भी कहीं पे बैठाया गया हजारीबाग में, कुछ सेंटर्स को पूरी तरीके से बेनिफिट दिया गया, कि जिस तरीके से रांची में एक पूरा सेंटर बनाया गया था रेस्टोरेंट को जो कि रॉकी का था और रॉकी के अमन और जो दूसरा चिंटू वो किस तरीके से इसको पूरा मैनेज कर रहा था, तो सीबीआई ने इस पूरे डिटेल को अपने इस चार्जशीट में सबमिट किया है और उसमें 13 लोग फिलहाल, हालांकि 13 लोगों का इसमें नाम शामिल है और बाकी लोगों को सीबीआई ने अभी जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन है, जो दूसरी सप्लीमेंट्री की बात की है सीबीआई ने, तो सप्लीमेंट्री में और सप्लीमेंट्री चार्ज मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुनाने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सीबीआई ने इनिशियल बिहार, झारखंड और राजस्थान, इसके अलावा जो महाराष्ट्र है और गुजरात है, गुजरात के अलावा जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहां पर भी अनियमितताएं पाई गई थी, कुछ क्योंकि बिहार और झारखंड के अलावा मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट का पूरा मामला है। और जिस तरीके से सीबीआई ने कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से नहीं होगा, हालांकि जो अनियमितताएं पाई गई हैं और जो इसमें खामियां हैं और जो पूरी चीज़ें सामने रखी गई है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से, क्योंकि सीबीआई की कई टीमें बनी है और एक एक चीज़ को कोर्ट में सबमिट किया गया सीबीआई की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी, शिक्षा मंत्रालय जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर उनकी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से अपनी एक रिपोर्ट हल्फनामा सीबीआई में रखा गया था और पूरी डिटेलिंग बताई गई थी कि पूरे हिंदुस्तान में नीट एग्जाम को लेकर अनियमितताएं नहीं पाई गई, कुछ ही स्टेट है, कुछ ही ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे गड़बड़ी सामने आई है। तो अब इस पूरे मामले को देखकर, हालांकि जिस तरह से जो करीब 40 के करीब याचिकाएं हैं, तो अब जो बाकी जो मामले हैं जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो देखना है कि किस तरीके से अब कोर्ट इसको आगे अपना रुख रखेगी। जी।